मुल्तान में 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। वनडे सीरीज में 3 मैचेस खेले जाएंगे। कराची से PIA की पहली हज परवाज रवाना। PK 743 से 291 आजमीन हज मदीना मुनवरा रवाना। एयरपोर्ट पर आजमीन हज की मुआवनत के लिए खसूसी टीम मसरूफ। PIA का कबल अज हज ऑपरेशन 3 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। बाद अज हज की परवाजें 14 जुलाई से शुरू होंगी, 13 अगस्त तक जारी रहेंगी। कराची में लड़की को अगवा करने की कोशिश नाकाम। मोटरवे पुलिस के लिए आ रही एक्सप्रेसवे पर कार्रवाई। लड़की को दरिंदों के हाथों अगवा होने से बचा लिया। कार सवार मुलजमान फरार। पुलिस ने लड़की को वालदैन के हवाले कर दिया। कोरोना के मजीद 50 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.47% रिकॉर्ड। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 50 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। और अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। ट्रंप गैर मुल्की तहफ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारजा को देने में नाकाम। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी ने तहकीकत शुरू कर दी। रुकन कांग्रेस कैरोलाइन मेलोनी कहती हैं कि मालूम नहीं ट्रंप को किन ममालिक ने कितनी मालियत के तहत दिए। कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई।